हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, ये हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन चैप्टर 11 का नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड वाइल राइटिंग इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर लिखते टाइम हमें कुछ पॉइंट्स क्या होने चाहिए, दिमाग में होने चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट की इंक्वायरी हम करने वाले हैं उसका क्या चाहिए हमें? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए। डिमांड फॉर सैम्पल और पैटर्न। हमें क्या, किस चीज़ की हम डिमांड करेंगे? कि आप कुछ उसका सैम्पल या जो भी पैटर्न हो वो पैटर्न हमें दे। इंडिकेशन अबाउट द क्वांटिटी डिज़ायर। आपको उनको ये भी बताना होगा कि आपको कितने क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट चाहिए। स्टेटिंग द स्पेसिफिक पर्पस, किस पर्पस से चाहिए। जैसे कभी कभी होता है कि हम हाई क्वांटिटी में भी लेते हैं लेकिन हम उसको अपने घर के यूज़ के लिए लेते हैं, तो उनको आपको पर्पस भी बताना चाहिए। रिक्वेस्ट रिगार्डिंग प्राइस एंड कंडीशंस ऑफ सेल। हमें उनसे ये बात रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप प्लीज़ मुझे इसका प्राइस बताइए और आपकी सेल्स की अगर कुछ कंडीशंस है तो आप वो भी मुझे बताएं। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। थैंक यू सो मच।